से हाय टू द व्लॉग। गाड़ी ठीक होने के बाद हम अभी जस्ट निकल ही रहे थे, ये ऐसा हादसा हो गया। ये देख रहे हो गाइस, लड़के वालों की गाड़ी है। हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सीन ये है कि मेरे एक दोस्त की बहन की शादी है और हम सब दोस्त वहां जा रहे हैं। इससे पहले बहुत कुछ हो गया, जो अभी बताने गए तो शाम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी कॉलेज जा रहा हूं कुछ काम से, उसके बाद हम सब दोस्त मिलके डिसाइड करके शायद शाम तक निकल जाएंगे। बहुत टाइम लगेगा बट जो भी है, जैसा भी है, ये ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो बने रहिए इस व्लॉग में और मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे नहीं, क्यों नहीं, बहुत सुंदर है। कहाँ देखो गाइस, एशियन एट इट्स फाइनेस्ट। मैंने कुछ नहीं बोला, इसके वजह से इतनी प्यारी लग रही हो। एशियन चेक सर्वो यार, इनको सीन बताओ आज भाई, मार मार खा लूंगा, अच्छा लगेगा। एशियन चेक सर्वो यार, क्या फेमस हो गया तन्मय। अरे भैया का पहला अपीयरेंस है ना। हाँ, ये इसका ब्लॉग है। ब्लॉग ब्लॉग क्या भी, डेब्यू। भैया कुछ बताओ, आप लोग को बहुत सारे। भैया अपने बारे में कुछ बताओ। मैं मस्त आदमी हूँ भाई। अरे और कुछ, और कुछ मतलब हमारे ऑटोमोबाइल का स्नूप डॉग। ये तो नहीं नहीं नहीं, थ्री पीपल आर बैटलिंग दैट ईशान, ये और नहीं, एम्यूजे का तो कुछ और, ब्रैड पिट। एम्यूजे का टैगलाइन ही है, एम्यूजे का ब्रैड पिट। एम्यूजे का ब्रैड पिट, ओह या या, यस दे आर डिफरेंट। हां आई नो आई नो, आई वाज विद आई वाज विद कुंडू दैट डे। यस यस, सब बस आया हुआ है दिल में, बोलेगे बंदा उनका आशीर्वाद है। अच्छा अच्छा, तन्मय और थोड़ा सा इतना जमड़ा स्माइल देता भाई, एक बार ट्वर्क हो जाए, एक बार ट्वर्क हो जाए, ट्वर्क हो जाए, ट्वर्क एक बार। आई सॉन्ग तो बजा के कर यार, ऐसे खाली फुकट की था गाना। बजा ना यार, तू क्या बजा 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 अनदर वन। You know what to do with that big fat girl. भैया थोड़े से अभी करियर फोकस्ड हो गए हैं, है ना ईशान भैया। अरे भाई, अरे देवा, यही करियर फोकस्ड है, देख लो भाई। देख लो, अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा और लड़की। मैन्स मैन मैन्स और प्रायोरिटी, अल्टीमेट गोल पैसा और लड़की। तो मेरे केस में सिर्फ पैसा, नहीं लड़की नहीं चाहिए मुझे। सब झूठ है, सब मेरे केस में गांजा पानी भी अबे रुको रुको, मजा नहीं करता। हेलो बोलो, अभी अपन क्या करने गए। अरे मैं भूल गया, बंद हो गया। मॉकर भाग, यू भी ना कर रहे हो, तेरी गांड मार दूंगा मैं यार। चूतिया यार, अरे सारे बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, क्या चूतिया यार ब्रो। मतलब ऑलरेडी तू यूपी जा कर आया है, अभी मेरे साथ, हम यूपी से ही तो आए, लेट आए, फिर भी नहीं ला पाया। अरे भूल गया, अरे भाई सर दर्द कर रहा है, सर मजाक नहीं कर रहा मैं। हमारे आज हेल्प करेंगे जय भैया हमको। सुन थोड़ा सा जाएंगे मोड़ पे जाके रुक जाएंगे, हो गया पहुंच गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई, मेरे को कुर्ता खरीदा अच्छा वाला, थोड़ा सा इसको भेज देंगे आगे खुद। बहुत बहुत सालों बाद मुझे कुर्ता पहनने का मौका मिलेगा। तो आप मेरे को ये अश्योरेंस दोगे जय भैया कि आज गाड़ी मतलब कुछ ब्रेक डाउन ना हो गाड़ी में, ऐसे नहीं होगा ना। अरे होगा तो तू है ना, पैसा देने वाला, ठीक करा लेंगे। तो तू बैठ के, तू तेरे को ठीक करना है। हाँ मैं ठीक करूंगा, तेरा 3 साल का ऑटोमोबाइल डिग्री अभी काम आएगा। अरे मैं ठीक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। One eternity later. क्या हो गया जय भाई, थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो।
तो एक्चुअली गाइस सीन ये है कि हम लोग का एक दोस्त तन्मय तो ऐसे ही आ रहे थे, तो बीच रोड में, मतलब रोड नहीं, हम लोग अपने फ्लैट से अपार्ट से निकल ही रहे थे। वहाँ पे साइड में इतना, मतलब घुटने जितना एक हाइट का समथिंग था फुटपाथ टाइप, वहाँ पे वो गाड़ी चढ़ा के उतार दिया, तो पीछे का बम्पर पूरा ख़राब हो गया है। मतलब ख़राब तो इन द सेंस निकल गया है, वो अभी स्क्रू व्यू से टाइट कराने के लिए हम लोग अभी मैकेनिक के पास ही आए हुए हैं। तो अभी पता नहीं मैकेनिक आएगा तो बोला है, एक बार माई मोटर से चेक करें एक बार। चलो आओ बात करके आते हैं। क्लोज लुक देखो, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये उखड़ गया, बम्पर में लगा है बेसिकली। तो माहौल थोड़ा गर्म हो गया था इसलिए तब शूट नहीं किया, अभी थोड़ा माहौल ठंडा हुआ है इसीलिए शूट कर रहा हूँ। एंड ईशान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? देख कुछ ऐसे जो तन्मय ने चढ़ा दिया उतार दिया कुछ, क्योंकि वीडियो में आएगा तो हाँ, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट हुआ है भाई आज। और तन्मय को कुछ कहना चाहेंगे लाइक ऐसा कि गाड़ी चलाना सीख लो? नहीं मतलब अब चारों उधर ही देख रहे थे, अब क्या ही करे। कॉन्फिडेंस तो था तन्मय चला लेगा गाड़ी, खुद में था क्या करा भाई अपनी आंखों के सामने। भाई अभी डिप्रेशन में आ गए। A few minutes later. तो गाइस अभी गाड़ी ठीक ही हो रहा है, और गाड़ी ठीक होने के बाद हम अभी जस्ट निकल ही रहे थे, ये ऐसा हादसा हो गया। अब वो लोगों का अलग गाड़ी, तन्मय शिफ्ट हो गया, वो अलग गाड़ी में आ रहा है, तो वो लोग मे बी भी आधे रास्ते पहुंच चुके होंगे, हमें भी अभी भी और 30 किलोमीटर कवर करने हैं। तो जैसे गाड़ी ठीक होता है हम जाते हैं, फिर शादी में थोड़ा सा मस्ती वस्ती करेंगे, अगर हुआ तो शूट करूँगा, नहीं तो शादी के बाद हम लोग का जाने का प्लान है, नाहरगढ़ फोर्ट जाने का प्लान है, तो अगर उधर गए तो उसके भी कुछ सीन्स कैप्चर करेंगे। तब तक के लिए आप व्लॉग में बने रहिए। तन्मय भाऊ थोड़ा पीछे जाओ। ये ओटीडी चेक ब्रो। पानीपुरी कैसा लगा? और आपने कुछ खाया? तू कुछ खाया? मुंबई का पानीपुरी अलग लेवल का है। तू अभी जयपुर में है कि नहीं? साले मुंबई में 80 रुपए का 8 पानीपुरी खाएगा। अच्छा ठीक है, कितना? 40 में 8 तो कितने में मिलता है? 10 में 2 भाई। कितने में मिलता है बाबा? 15 में एक प्लेट मिलता है, 15 से 20 के बीच में एक प्लेट मिल जाता है। तू कौन से मुंबई में रह रहे, मेरे को नहीं पता भाई। दिन शगुना दा चढ़या, आओ सखी ओनी बेड़ा सजया, हाँ मेरा सजना मिले आ, सजना मिलन वधाइया, नी सजन डोली लेके आना, नी बेड़ा सजया। मेरा सजना मिले आ, सजना मिले आ, सजना मिले आ। These are engineers. Yes. These are engineers. Yes. भैया इंजीनियर्स के बिना दुनिया अधूरी है, सही बात कर सकते हैं, ये गाने भी नहीं बजेंगे हमारे बिना, वही लाइट भी नहीं लगेगी। और लोग बोलते हैं डॉक्टर्स के बिना दुनिया अधूरी है, हम कितने वैल्यूएबल, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं करता, क्या करे भैया, इंजीनियर थे भैया, थोड़ी कोई समझाएगा। वही भाई आपको शादी कैसी लगी? क्या हाउ डिड यू फील अबाउट दिस इंडियन वेडिंग? सर ऑटोग्राफ मिलेगा?
लौड़ा मेरा छाती पे कर तोला दे छाती पे तेरे लिए मैं अपना पॉकेट डाल दूं मतलब ऐसे सर इधर साइन मार दो पलट मैं उधर साइन करता हूं नवाबों की टोली आपको शादी कैसे ली अच्छा सॉरी आपकी बहन का था सॉरी 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 तेरी बहन की अरे नहीं मतलब फिर भी कैसी लगी आपको बहुत अच्छी भाई मजा आ गया आप बताओ शादी कैसी लगी खाना पैक कराए नहीं नहीं अरे नहीं 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 काफी है भाई लोग सॉरी शादी कैसी लगी आप लोगों हाँ बढ़िया दक्ष कुछ हमारे गेस्ट को प्रॉब्लम है कौन से गेस्ट बोल रहा है कि दारू की कमी रह गई आठ कमरे में बाय 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 भरत भाई बाय बाय भरत भैया आप नहीं मर रहे देखे ये हाथ हंसेगा हाँ अब बाय चलो बाय 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 नवाबा के 14 उठ पकड़ो आप अपने आप को क्या समझ रहे हो ए अड्रे मस्त मस्त नहीं आपको आप अपने आप को क्या समझ रहे हो मतलब आई नो आप ब्रैड पिट हो लेकिन ब्रैड पिट राजा महाराजा के साथ ऐसे बैठता नहीं है ना फोटो नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा ऐसे बैठे तो अभी हो रहा है लाइम ठीक अभी नहीं गए मैं भी आ रहा हूँ अरे वो भरत जा रहा है उनके साथ ना तो वो कहीं और जाना है वो लोग लाइव लोकेशन भेज रहे हैं भैया रूम पे चलते तेरे अरे उनको पहले पूछ लो ना कॉल करके तन में एक बार कॉल लगा सब सामान ले रहे हैं फिर चल किधर से कौन क्या सामान ओए ब्रदर गाड़ी चलाया ओके ए क्या नहीं नॉट नाउ ओके 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 इसको कर भी दे देखो मैं बैठ रहा हूं सामने पीछे आ जा सुन इसका वाइपर मैं पहले बैठ गया भाई सामने अब मुझे कोई नहीं रोक सकता आप मुझे कोई नहीं रोक सकता फूकेंगे फोसड़ी के पीछे आ जा आप मुझे कोई नहीं रोक सकता लेकिन भैया रोक सकता है ठीक है मैं निकल जाता हूँ अंदर चलो स्टोन पेपर सीजर अंदर चलो नीले का पुराना ना बीच सब तगड़ा बनेगा You will get full second gear was also tight Pratap you know how to drive भाई भाई लोग कुछ भी नहीं दिखेगा बस एक अपडेट कि हम नाहरगढ़ फोर्ट के पास आए हैं और देख ही सकते हो यहाँ पे ये गाड़ी इधर ही हमारा गाड़ी और बंदे यहाँ पे मेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा इसलिए मैं नहीं दिख पा रहा हूँ और आप देख सकते हो प्रताप इतना फ्लैशलाइट लेके थोड़े से सर हमारे है धुंधला हो गया सर का भी ये तो धुंधला कोई बात नहीं हमारे दो भाई और है रुको एक सेकंड भाई इन भाई लोगों का भी धुंधला हो गया थोड़ा सा कुछ नहीं ब्रो ए हेलो क्या ये सब अश्लीलता अच्छी बात नहीं है रात को कौन बोल रहे रात को घूम रहे और आपको कैसा लगा पहली बार तन्मय भाई एक्सपीरियंस बताओ एक्सपीरियंस तो बताओ आज मैं नहीं करके आया नहीं बताओ एक्सपीरियंस बताओ यार पहली बार आप बता नहीं सकते पहली बार घूम रहा इतना लेट कैसा है पहली बार नहीं है मतलब राजस्थान का बोल रहा हूं हां राजस्थान में पहली बार है तो अच्छा तो लग रहा है बात करते आप तो लग रहा है नहीं आप बताओ आप जो किए समझ सकते हो आप मैं बता नहीं सकता लेकिन कैसा लगा The next day. So hello guys and girls. हम अभी एक कौन सा कैफे
It's Mystery Machine, man. It's not a cafe. It's Mystery Machine restaurant. A government cafe लिखा हुआ. Yeah, it's also government cafe. Yeah. So हम लोग Mystery Machine में हैं. तो मैं, समीर भैया और हमारे CR भैया. CR भैया और कम चाचा थोड़े हाई हैं अभी भैया. अभी भी उनको हैंगओवर से उतरे नहीं है भैया. थोड़ा सा वो मतलब है ना, मैं वही पूछ रहा था, कोई बात नहीं. और क्या बोल रहा है भैया, थोड़े से सीरियस हो जाते हैं यार, डरता है यार. नहीं नहीं, गलत काम थोड़ी है भाई. नहीं आज इलीगल है, पर लीगली है वो तरीके से. ठीक है, हम ये मैटर लीगल होने वाले हैं तुरंत. देखना, जनता को भी पता चलेगा किसी ने बात कही थी. 5 साल के अंदर हो जाएगा लीगल भाई. मैं आई एम नॉट इन दिस. तन्मय सर, आप कुछ कहना चाहोगे? कैसा था आपका कल रात? लाइक आप तो पूरे मस्त. बढ़िया नींद आई भाई. और बस जय श्री शंभू. बाय द वे गाइस, अभी शाम के बज रहे, कितने बज रहे? 6. हाँ, तो 6 बज रहे हैं. और हम नींद से उठे थे 2 या 3 बजे तक उठे थे. और भाई साहब हमारे उठते ही थोड़े से प्रसाद लेने लग गए, बोले प्रसाद. यस यस, करेक्ट. डायरेक्ट, यू नो हम क्या इलीगल काम किया, हमने लीगली बात करी. प्रसाद लेने लग गए, वो भी पूरा फ्लैट में. पूरा प्रसाद मतलब भगवान हमारे शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे भैया. अरे मैं साक्षात दर्शन करके आया भाई. दर्शन करवाए थे इनके, इन्होंने बोला अभी साक्षात दर्शन हुआ शिव भगवान से. शिव भगवान बोले कि भाई हम बहुत खुश हैं तुमसे. तो हमारे भैया दर्शन करने हो तो बता देना, ऐसे 100% गारंटी नहीं है, लेकिन वो ऊपर वाले के कमेंट पे लिख देना जिनको चाहिए होगा. मैं उन्हें पर्सनली डीएम करूंगा और भैया का कांटेक्ट नंबर दूंगा. और भैया कांटेक्ट नंबर दे देगा मेरा. अरे कांटेक्ट नंबर मेरी वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, कांटेक्ट नंबर नहीं, ये मेरा मैनेजर है, इससे कांटेक्ट करो, तुम्हें सब मिल जाएगा. ओके ओके. तो भैया जी शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और आज उनका एक गुरु मतलब गुरु चेला एक और भगत बना दिए आज. मतलब तन्मय भैया तो आज पूरा बम बम भोले हो गए. तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे एकदम ही भांग चढ़ा भाई. नहीं भाई, इतनी सी कुछ इफेक्ट भी करिए तो अभी तक जितने की तू सच्चाई मत बताना भाई व्लॉग में. हाँ भाई, पॉइंट है गाइस, सच्चाई नहीं बताना. आप तन्मय सर का आंख देखो, देख लो भाई. और बाकियों का पता नहीं क्या हाल है. अभी तो फिलहाल हम तीनों निकले हैं. अभी बाकी कितना भी बोले कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन ये सारे उल्टे काम करता है. ये शक्ल से बोला है, ये सब पीता है, सब मतलब तुम समझ रहे हो ना. जनता तुम समझदार हो. पीने में मैं लाइम जूस पीता हूँ. प्लस वन जो भी भैया ने बोला, प्लस वन. ऐसा नहीं है गाइस, मैं कुछ नहीं करता. अगर मतलब कैसे आपको प्रूफ कर सकता हूँ? कुछ नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. फूंक के दिखा देने करता. अरे हेलो. अरे अच्छा, तो कैसे दिखा के देखो. मैं फूंक कोई नहीं किसी दिन एमएमएस लीक करूंगा मैं इसकी. कोई नहीं, ठीक है, आई विल वेट फॉर दैट डे. मेनू नहीं आया यार. देखो मेनू आया कि नहीं यार. क्या आगे मेनू हॉस्पिटैलिटी नहीं है. Excuse me, I mean, excuse me. मेन्यू है भाई. क्या खाएंगे? हाँ, तो क्या खाना क्या है? मेरे को तो देख, एक चिकन चिल्ली तो मैं लूंगा. हाँ बोले लो, उसको छोड़ के सोच रहा हूँ मैं कुछ शेक वगैरह भी ले लूँ. भैया सब बनेगा क्या? या कुछ ऐसा है कि अभी लाइक मटन नहीं होगा, मटन और फिश नहीं है जी, बाकी सब हो जाएगा. ठीक है. और तो बाकी अभी कैसे हैंगओवर स्टेट में है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन हम तीनों तो अपन इतना मेहनत किए गुगल में नहीं मिल जाता. और अभी निकले हैं फिलहाल थोड़ा से खाना पीना करने, फिर देखते हैं. फिर रात को 2.4 MB मिलेगा. देखो गूगल पे 2 घंटे में रात हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है. गेड़ी मारेंगे कि नहीं. ठीक है, ऐसे बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर. हे गाइस, तो हम कैफे में खाना खाने के बाद थोड़ी देर बॉनफायर के पास बैठे थे, जहाँ पे हम एक छोटे से पपी के साथ बहुत खेले, बहुत मस्ती किए. आपको मैं क्लिप्स दिखा दूंगा यहाँ पे. उसके बाद हम डायरेक्ट रूम आ गए, सब सो गए, बहुत टायर्ड थे, मैं भी सो गया. तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं वापस जाऊँगा अभी सोने, बहुत नींद में हूँ. तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, ब्लॉग को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय.